नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की मीडिया से चर्चा, बिजली सेक्टर में परिवर्तन पर जताई सहमति। सीएम शिवराज बोले, सोलर एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना की घटना पर बोले गृह मंत्री, इस घटना को बताया हृदय विदारक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, अपराधियों पर होगी सख्त कार्यवाही। इंदौर में बीजेपी नेताओं का पैदल मार्च, जनता से मुलाकात कर जाना उनका हाल। राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन और सांसद शंकर लालवानी रहे मौजूद। धार जिले के गंधवानी थाना क्षेत्र में कुंडी गांव आता है। बीते दिन यहां से बर्बरता का एक मामला सामने आया है। दरअसल लड़की भगवाने में मदद की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि नाबालिग के परिजनों ने नाबालिग बालिका सहित एक अन्य युवती और युवक को जमकर पीटा और उनके गले में टायर डालकर उनसे नृत्य करवाया। हालांकि सूचना पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 5 लोगों पर प्रकरण दर्ज करते हुए 3 की गिरफ्तारी भी की। अन्य 2 लोगों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीएम मोदी और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने बिजली के सेक्टर में अनेक नवाचार और परिवर्तन करने का फैसला किया है। सीएम की माने तो मध्य प्रदेश सरकार इस योजना से पूरी तरह सहमत है और पूरी बिजली के सिस्टम का आधुनिकीकरण करने को तैयार है। वहीं उन्होंने ग्रीन एनर्जी को लेकर बताया कि मध्य प्रदेश तेजी से सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने बिजली के सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन करने का फैसला किया है। आईडीएसएस स्कीम की योजना के अंतर्गत पूरे बिजली सेक्टर को बदलने का, आधुनिकीकरण का और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे विद्युत के सिस्टम को सुदृढ़ करने का फैसला किया है, जिसमें 60% भारत सरकार अनुदान देगी और 40% हमारी बिजली कंपनियों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश उस योजना से पूरी तरह से सहमत है और हम अपने पूरे बिजली के सिस्टम का आधुनिकीकरण करेंगे। उस संबंध में माननीय मंत्री जी से विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। दूसरे माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर है ग्रीन एनर्जी पर। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ सूरज साल में 300 दिन चमकता है और इसलिए हम तेजी से सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लग के उस दिल्ली की गुरुवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात की। इस दौरान गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। बीते दिन भी 12 नए केस मिले हैं, तो वहीं 12 ही लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। इसी बीच गृह मंत्री मिश्रा से पन्ना की घटना को लेकर भी सवाल किया गया। तब उन्होंने अपने बयान में कहा कि पन्ना की घटना हृदय विदारक है। वहीं आंखें फोड़ने के मामले में कहा कि आंखें सुरक्षित है, अभी चित्रकूट में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। साथ ही दोनों ही मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं गृह मंत्री मिश्रा का ये बयान। पन्ना के अंदर जो घटना हुई, प्रथम दृष्टया वह हृदय विदारक घटना थी। जो भी प्रयास किए वो घृणित प्रयास थे, क्योंकि वो विषय किसी के परिवार की बिटिया चली गई थी
और वो उसकी सहेली थी इसलिए था, पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक बिटिया की आंखों का सवाल है, तो जो मुजरिम पकड़े गए थे और उन्होंने जो बताया कि हमारे यहाँ अकौआ का दूध जो होता है उसको डिस्टिल वाटर में मिला के उन्होंने डाला था, ऊपर स्किन उसकी जली है पर अंदर आंख को ज्यादा क्षति नहीं हुई है। वहां पर लोकल डॉक्टरों को भी दिखवा लिया है, आंखों से उसे दिख रहा है। अभी वर्तमान में चित्रकूट के नेत्र चिकित्सालय में भी उसकी जांच हो गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर हंड्रेड, जनता की बुलंद आवाज़।